पापा के लिए तो बर्थडे का गिफ्ट ले आए, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए। ये देखें, ये फाइनली आ चुकी है। ये तुम कहाँ गई हुई थी इन्फ्लुएंसर? आज तो बड़ी तुम बारिश में तैयार हुई हो। ना करो, नहीं मैं आज टाइम पे चलाऊंगी अपने, मैं आई तुम्हारा सर देख लू गाड़ी तेज चला देना, तो मैं मतलब यही काम करती रहूं। हाँ तो इन कपड़ों के लिए राबिया ने ना सबका जीना हराम किया हुआ था। कई सी कीड़े मकोड़ियाँ गिर चुकी हैं दोनों यहाँ पे। Everyone, welcome to Astrology. This is Mikra Kawa. Welcome to another vlog. Welcome to another day. And if you didn't subscribe my channel yet, please फटाफट कर दें, कर दें, कर दें, कर दें, ठीक है जी। और बाहर मौसम आप लोग देख सकते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है और ये शुरू हो गया और इतना प्यारा मौसम है और मेरे बेड पे भरमार हुई भी है। ये देखिए सारे कपड़ों की भरमार है, ठीक है। ये सारे कपड़े मुझे करने हैं सेट। ये देखिए मेरी अलमारी में बहुत चीजें, ये मैंने सारे अपने बॉक्सेस यहाँ पे रख दिए थे, ये खाली करवाया, अब इसके अंदर सब कुछ जाएगा। आज मेरी मम्मा को पता था, उन्होंने ना नाश्ता ऊपर ही भेज दिया कि लड़की आज काम कर रही है, क्योंकि अम्मियाँ तभी प्रोटोकॉल देती हैं जब आप काम करते हो, जब आप कुछ नहीं ना करते तो फिर अम्मियों से डांट पड़ती। तो मैंने सोच लिया मैंने डांट वांट नहीं खानी है, मैंने भी प्रोटोकॉल लेना है तरीके से। फाइनली आफ्टर द हार्ड स्ट्रगल ऑफ 4 आवर्स मैं सब कुछ जो है ना वो सेट कर लिया और अब मेरा टाइम है नीचे जाने का। So, मैं नीचे आई हूँ अभी, तो ये लड़की मुझे मिली है और ये कुछ खा रही है, रेस्ट नहीं कर रही, शक्करकंदी खा रही हूँ। बाकी सब कहाँ है पता ही नहीं है तुम्हें, तुम यहाँ क्या खा रही हो? मैं खाना खा रही हूँ। सिर्फ राबिया मुझे मिली है अभी तक और बाकी सब किधर हैं? यहाँ पे कोई भी नहीं है, सोए हुए हैं, सोए हुए हैं। व्हाट, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? फिर तुम अकेली क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे बैठने का क्या? मैं अब से लॉनली फील करती हूँ, बहुत लॉनली है गाइस, मैं भी इसके साथ बैठ के लॉनली फील करने लगी हूँ विद 32 अदर्स। तो मेरी मम्मा, आपने मुझे ये नहीं दिया, मैं इंतजार कर रहा, मैंने तेरे लिए रखी थी, वो आके खा गई है, तो तुम लेट क्यों आई हो? मैं क्योंकि सफाई कर रही थी अपने कमरे की। क्या बात है, आज टिकरा को प्राइज मिलना चाहिए। यस, मेरे बगैर सफाई हो गई है। हाँ जी, और बहुत अच्छी किया, मैंने लोगों को कमरा भी दिखा दिया कितना गंद मचा हुआ था। ठीक है अभी आपको भी दिखाऊंगी। राबिया बदतमीज, क्यों खाई है तुमने? थी वो सारी खा गई। हाँ तुम्हें मैं फ्राई बना दूँ। मम्मा इसी खुशी में, तो इकरा को आज प्यार करना है, इसने आज बुरा काम। अब मैं फ्राइज राइस खाऊंगी, कुछ खाती पीती हूँ, कोई मूवी शूवी देखती हूँ, कोई एंजॉय करती हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर दिया नहीं किया? फटाफट फटाफट अभी इससे वह कर दे। ओहो, तो अब हम बनाने लगे हैं मजेदार फ्राइज। आज तो मेरी ईद होगी क्योंकि मेरी अम्मा का दिल आ गया मेरे पे, क्योंकि मैं भी अच्छे अच्छे काम करती हूँ और मेरा पता नहीं क्यों मैकडॉनल्ड्स खाने का दिल चाह रहा। फातिमा सोई भी, अगर वो उठेगी ना तो फिर मैं सोचूंगी कि अभी हम लोग कहीं बाहर जाके खाते हैं। वैसे मेरा मैकडॉनल्ड्स खाओगे तो कभी जिंदगी में फ्राइज नहीं बना। अच्छा उल्टी धमकियां, मैं सोचूंगी कल भी हम लोग कहीं घूमने जाएं। पापा के लिए तो बर्थडे का गिफ्ट ले आए, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए, तो मैं अरीब को बोलूंगी कि कल मुझे कहीं लेकर जाए। ठीक है, तो आप में से कौन कौन चाहता है कि वो मुझे घुमाने के लिए या हम लोग को कहीं लेकर जाए, कॉमेंट करें और उनके साथ ब्लॉग बनाऊं। सही है, बस नीट क्लीन। देखा जब सब सोए होते हैं, हमारा घर गाइस बहुत नीट क्लीन होता है। जब हमारे घर में सब उठे होते हैं तो हमारे घर में भूकंप आया था, भूकंप फातिमा के बाद, रात 11 बजे के बाद। तो आज मैं आपको अपनी नाइट रूटीन भी सारी दिखाऊंगी। सही है, ये देखें ये फाइनली आ चुकी है। ये तुम कहाँ गई हुई थी इन्फ्लुएंसर? अच्छा मैं नीचे आई हूँ तो कोई भी नहीं था, वो देखो शूट से पिज्जा लेके आई और ये देखो भूखी औरत कैसे पड़ गई है, उसको तोबा तोबा तोबा। ये भी देखे सो के उठ के आ गई फातिमा, यार हमें कहीं ले जाओगी? मुझको बहुत भूख लग रही है, तुमको ड्राइविंग आता है यार। चलो जी अब हम जो है वो अपने फ्राइज पार्टी करते हैं। और यहाँ पे और चीज भी है, हीरा लेकर आई है तो ये भी पार्टी कर। ये तो खाली बन है और शिट वेयर इज चिकन यार, बदतमीज चिकन खाई है। राबिया बस कर दो, तुम मेरी सारी चिप्स खा गई हो। मम्मा का ड्रेस सिल के आ रहा, मम्मा वो ट्राई कर रही। मेरे चिप्स पे डाका मत डालो, आपकी नहीं मेरी है झूठी, मेरी है। यहाँ देखे मेरी अम्मा जो है ना वो कपड़े शपड़ों का ट्रांसफर कर रही है, ये कर रही है वो। जी मानो, तो मानो की फरमाइशें शुरू हो गई है, तो लेट्स गो होने लगी हूँ मैं भी। और मैंने अपना ये चेंज कर लिया, आज तो ड्राइवर पहले ही बैठा हुआ है। आज तो बड़ी तुम बारिश में तैयार हुई हो। तैयार में थी नेचुरल ब्यूटी है, मेकअप नहीं किया। हां तो ये शीशा किसने खोला हुआ है यार? और ये बड़ी प्यारी ठंडी और इतना मजे का मौसम है, बारिश शुरू हो गई है और बड़ा मजेदार माहौल बना हुआ है, मैं तो एंजॉय कर रही हूं। 10 बजे ना मुझे सुनने में आया कि मैकडॉनल्ड्स बंद हो जाता है। फातिमा अगर बंद होगा ना तो फिर गया, मुझे इनकी लाइट ऑन है।
अगर तो एम बंद हुआ ना तो तुम्हें मैंने एम कर देना है। तो आ करें कि खुला हो वरना भूखे पेट सोना पड़ेगा। फिर से ये शीशा खुला हुआ मैडम, हाई ना करो। किसका हुआ है? ओहो ध्यान से जाओ, अल्लाह खैर करे। खुला हुआ है फिर तुम प्रो मैक्स अभी तो ना यार। चलो फिर शुक्र है खुला है, नहीं तो आज हमको भूखे पेट से। ग्यारह बजे ये पीछे एक लड़की है ये जो कॉल पे कोऑर्डिनेट कर रही है थ्रू आउट इसके कोई कपड़े आने थे यार, गाने बंद करवा के रखे हुए थे। हाँ तब चाट फातिमा को बहुत गुस्सा आया भाई, वो ये कपड़े तो बाद में नहीं देख सकती। बाबा तुम्हें पहले पिक्चर्स में सिलेक्ट किए थे यार। पता नहीं क्या करी जा रही है यार, आके मेरा सारा सफर खराब कर रही है। आज मेरी मम्मा की भी दर्जन आई हुई है, आज वो सारे हैपनिंग्स हो रही हैं। जो मुंह देखो इसका, कितनी देर से हम लोग सिर्फ इंतजार करें मैकडॉनल्ड्स बंद हो या खुला हो, खुला है बंद है ये वो, लेकिन इस लड़की के कपड़े नहीं सिलेक्ट हो रहे। मेरा डन है, बाकी तुम लोग अपना डिसाइड कर लो। अबे तुम अपना ऑर्डर डिसाइड कर लो, कपड़े बाद में देख लेना। मैं ऑर्डर नहीं ले रही, जब वो आएगा तो फिर देना। ये गाड़ी चली जाए फिर फिर भी आप बंद करेंगे। उसके घर पे कपड़े लेके आए हुए, मैं गलती से बाहर आ गई, मौसम बना, चलो मैं तेरी नाइट ड्राइव कर लूंगी। सही है, नाइट ड्राइव में आधी नाइट ड्राइव में अपनी वीडियो कॉल ऑन रखी, उसको ड्रेसेस समझाती थी, मैंने गाने बंद रखे। अब चलो घर जाना तो मैं नॉर्मल जाऊंगी, जितना रास्ता है 15 मिनट का रास्ता, चलो हार्डली 20 मिनट में कवर हो जाएगा। गाड़ी तेज चला देना तो मैं मतलब यही काम करती रहूं। यही काम रह गया मुझे। बिग बॉस चाहते हैं कि फातिमा और राबिया की सुलह करवाई जाए। अभी जैसे हमारा खाना आएगा तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ ठीक तरह पेश आएंगे। बिग बॉस इकरा कवल के साथ एस्ट्रोलॉजी में मैं हाजिर हूँ। ठीक है, आपके साथ ऑर्डर अभी हाथ में नहीं पड़ा और चिप्स खा लूं बस मैं फटाफट। राबिया पकड़ो ये ठंडी ठंडी ड्रिंक, मुझे संभालने के लिए दे दिए। गाड़ी में इतनी स्पेस भी नहीं है कि मैं कहाँ इसको रखूं, और गिर भी सकती है। अब फटाफट से हम घर जाएंगे। वो देखे बाहर कपड़े वाले, वो बाहर खड़े हुए हैं। और ये सामान कौन लेके जाएगा ये इतनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स? तो बस ये चीजें पकड़ूंगी बॉटल का। नहीं ये तुम पकड़ोगी प्लीज। फातिमा गुड गर्ल। हाय फातिमा, तुम्हारे हालांकि नाखून है नहीं है, तुमने मुझे इतनी जोर से हाथ में मारा है। क्या हुआ है? भाई इसकी ना टांग जो है ना वो अटक गई थी गाड़ी में, तो वो इतनी जोर से कहाँ पे। ये देखो भाई पापा की बर्थडे का सेटअप कितना बेचारा बारिश में भीगा पड़ा सारा। नहीं सारा सेटअप हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे किया हुआ, सेटअप उठाने वाले भी नहीं आए अभी तक। तो ये देखो जी बाबा के कुछ लॉड्स आए, इसकी वजह से इसने हमारा पूरा जो है ना वो इसने सीन खराब किया इस लड़की। मैं एकदम पहन के पता नहीं किसकी शादी की तैयारियां होनी है, पता नहीं क्या करें। तो इन कपड़ों के लिए राबिया ने ना सबका जीना हराम किया हुआ था, इतने खूबसूरत आउटफिट्स है। और ये लड़की स्टिल कुछ भी खा पी नहीं रही है, और ये भूखी तो बहुत भूखी है। मम्मी से चुपके गए हैं और मेरी मम्मी ने कहा है कि मेरे लिए बर्गर नहीं लेकर आए। भाई मम्मा अब आप बर्गर एंजॉय करें ठीक है। ये देखो ये 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 पागल हुई है मिस्टर बीन कहीं की। या अल्लाह ये देखें दोनों पागल हो चुके हैं। इस वक्त आधी रात का है, इस वक्त देखें रात के 2। मैंने पुकारा था ना कि आज मैं इनको आपकी रात की इनकी रात की मस्तियां दिखाऊंगी, तो ये देखें रात में अपने कपड़े ऐसे निकालती हैं, सुबह जमाइयां लेती हैं, नींद आ रही होती है लेकिन सोती नहीं है। टाइम जो है ना इस वक्त ये देखें 2 बजने में इतना टाइम, और ये ट्रांजिशन की प्रैक्टिस कर रही है जो इन्होंने इंस्टा पे बनानी होती है। ठीक है ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 चले पाओ के तले फिर दो से चले। ये रात को ये कर रही होती है बेवकूफ औरतें। या अल्लाह पागल खानों वालों प्लीज इनको ले जाओ, हमारे घर में फ्री मिलती हैं बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। आपके बाल अच्छे लग रहे हैं आप बुरे में नहीं मुझे याद है मैं भी साथ थी। कहीं से कीड़े मकोड़ियां गिर चुकी हैं दोनों यहाँ पे पागल। आप बुरे में कह रही हो कि अच्छे नहीं लग रहे फिर बाल। मैंने कहा नहीं रामा बस तुम्हारी तारीफ करी कि तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे। थैंक यू क्योंकि घर से हमने इसको रोस्ट किया हुआ था ना इसलिए।
मेरा भी सोने का टाइम है और मैंने भी निकलना है ऊपर। और अभी यहाँ पे आज हमारे घर दर्जन आई रही है, ईद की तैयारियाँ अभी से कर लो क्योंकि आगे जो है ना वो चीजें नहीं मिलनी है। तो हमने तो कपड़े दर्जन को दे दिए हैं बनने के लिए, आप लोगों ने भी दे देने हैं। चलो देखे, मैंने एक जूता और पहना तो अभी अपना जूता ढूंढना पड़ना है यार। कोई बात नहीं, एक और से गुजारा करते हैं। हमारे घर वैसे भी सभी एक और करते हैं। मेरा नाखून टूट गया। कैमरा ऑन करते करते भाग रही थी और गिर गई हूँ। अब कैमरा बंद करने लगी, बहुत जोर से लगा। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी कल अगले व्लॉग में। कल जो कि मैं जिद करने वाली हूँ अरीब से कि मुझे कहीं पर लेके जाएं, सो लेट्स सी कि कल क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। होप फॉर द बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।